प्याज को ओवन के ज़रिए हम कैसे इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और इसको जल्दी काट सकते हैं। और हमारा दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो उस सूरत में हम उबलता हुआ पानी ले लेंगे, उसमें कुछ सेकंड के लिए प्याज को डालेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये मैंने उबलते पानी में प्याज को डाल दिए और सिर्फ कुछ सेकंड इसको पड़ा रहने देंगे और फिर उसके बाद इसको हम निकाल देंगे। ये कुछ सेकंड में उसको प्याज को पड़ा रहने दें, फिर हम प्याज को निकालेंगे। ये देखें, इस तरह इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और प्याज जल्दी से छीला जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितनी जल्दी छीला जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, इससे प्याज हम मिनटों में बहुत सारा प्याज छील सकते हैं। देखें बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिनट के अंदर, इस एक मिनट से भी कम टाइम में ही हमारा प्याज छिल जाएगा और हम इसको फिर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जिस पानी में हमने प्याज को डिप किया था, इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। ये पौधों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है। अब हम इस पानी को ठंडा करेंगे और अपनी क्यारियों में डाल देंगे और बाय गार्डन में डाल देंगे। ये देखें दोस्तों, हमारा 2 किलो प्याज बिल्कुल ये कट गया और हाथ भी इतने गंदे नहीं हुए और स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। 2 किलो प्याज पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि किचन में स्मेल है। और अब हम इनको सेव करने का तरीका बताएंगे आपको, तो चलिए आप इस तरफ जाते हैं। ये 2 किलो प्याज हमारा कटा है तकरीबन 20 से 22 मिनट के दरमियान। दोस्तों, अब हम आपको प्याज को सेव करना सिखाएंगे कि ये हमने थोड़ा सा इतना सा मैंने इसे एक बड़ा चम्मच आलू डाला है, अब हमें इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमने प्याज को अब हमने सेव कर लिया है। तो ये छोटे बड़े डब्बों में इसलिए डाला गया है कि बाज़ दफ़ा हमें ज़्यादा इंडिया पकानी पड़ती है तो उसके लिए हम बड़ा डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने, मेरे पास एक्चुअली डिस्पोजेबल बॉक्सेस ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये जो है ना दो हंडिया का एक इसमें डाल दिया। बीच में आप इसमें ये पेपर रख सकते हैं वाई, तो ये इसको बंद कर देंगे। अब ये हमारा प्याज, हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये प्याज हमारा कम से कम जो है ना 6 से 7 महीने आराम से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।